अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मैं तनु शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल फर्स्ट बाइट में। वरिष्ठ अधिवक्ता ओंकार तोमर आत्महत्या प्रकरण गंभीर मोड़ पर आ गया है। पुलिस की लगातार पड़ रही दबिश व परिजनों को हिरासत में लिए जाने से शब्द संजय मोतला ने फांसी लगाकर जान दे दी। ओंकार तोमर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में वह भी नामजद था। देर रात तक ग्रामीणों ने शव को पेड़ से उतरने नहीं दिया। वह लगातार थाना प्रभारी गंगानगर व अधिवक्ताओं के बेटे को इसके लिए जिम्मेदार बताते हुए उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग कर रहे थे। करीब 2.5-3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एसएसपी ने शव को उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। अधिवक्ता ओंकार तोमर बेटे लव कुमार व उसकी पत्नी स्वाति विवाद में 5 दिन में ये दूसरी आत्महत्या है। पहले 13 फरवरी को ओंकार तोमर ने अपने मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र के ईशापुरम स्थित आवास पर आत्महत्या की, तो अब 5 दिन बाद संजय मोतला ने मेरठ के ही दोराला थाना क्षेत्र के गांव दादरी में खेत पर फांसी लगा ली। दरअसल आत्महत्या के लिए मजबूर करने के हालात बनाने के लिए भाजपा विधायक दिनेश खटीक व स्वाति के परिजनों समेत 14 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। भाजपा विधायक का नाम शामिल होने के कारण पुलिस भारी दबाव में थी, लेकिन अधिवक्ताओं के दबाव के बाद पुलिस को यह रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ी थी। अधिवक्ताओं ने भाजपा विधायक समेत बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 15 फरवरी को एसएसपी कार्यालय पर हंगामा व कुछ सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाया था। तब से ही पुलिस पर आरोपियों की धरपकड़ के लिए भारी दबाव था। इसी दबाव के चलते पुलिस भाजपा विधायक के अतिरिक्त बाकी सभी आरोपियों के घर दबिश दे रही है। आरोपियों के पकड़ में न आने पर उनके परिजनों को हिरासत में लिया जा रहा है। संजय मोतला के साथ भी यही हुआ। मां पत्नी व भाई की पत्नी को इंस्पेक्टर गंगानगर बिजेंद्र राणा उठा लाए थे। अब बीती रात संजय मोतला के आत्महत्या कर लेने के बाद पुलिस के सामने इधर कुआ तो उधर खाई जैसे हालात पैदा हो गए। एक तरफ अधिवक्ताओं का भारी दबाव है गिरफ्तारी को लेकर, तो दूसरी तरफ संजय मोतला की आत्महत्या। इसके अलावा बीते दिवस निवर्तमान ग्राम प्रधानों ने भाजपा विधायक दिनेश खटीक की वकालत करते हुए एडीजी राजीव सब्बरवाल से मुलाकात की। उनका कहना है कि यदि उनके खिलाफ कोई सबूत है तो वे सभी आरोपियों का संपर्ण करा देंगे। बता दें कि संजय के आत्महत्या के बाद उसके परिजनों को तुरंत ही छोड़ दिया गया था। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल फर्स्ट बाइट के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।